उषा देवता। उषा देवता के गुण भी बड़े महत्व के और माननीय हैं। उषा आती है और प्रकाश फैलने लगता है। अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश फैलाना अत्यंत आवश्यक है। द्युलोक की पुत्री उषा दिखने लग गई है, उसका प्रकाश फैलने लग गया है। वह उषा महान अंधकार को अपनी आँखों किरणों से नष्ट करती है, अंधकार को प्रकाश से दूर करती है, उत्तम नेतृत्व करने वाली प्रकाश करती है, अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाती है। उषा के साथ सूर्य आकर अपनी किरणें फैलाता है, उदय होते ही नक्षत्र चमकने लगते हैं। तेरे और सूर्य के प्रकाश के बाद हम अन्न का सेवन करें। उषा आती है और प्रकाश फैलाकर अंधकार दूर करना शुरू करती है। उषा के बाद सूर्य उदय होकर प्रकाशने लगता है। तात्पर्य यह है कि उषा के उदय होते ही अंधकार का नाश प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने समाज व राष्ट्र में अपने कार्य के द्वारा अज्ञानांधकार का नाश करना चाहिए और अपने समाज व राष्ट्र को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। उषा प्रतिदिन लोगों को यह ज्ञान देती है, उस ज्ञान को मनुष्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अश्विनव देवता, तेजस्वी चमकने वाले किरण, प्रकाश की किरण, बैल, ईश्वर, सूर्य, दिवस, अश्विनी कुमार, प्रभात, प्रकाश, चमकने वाला आकाश, गाय, पृथ्वी, अश्विनी कुमार, अपनी शक्ति से रहने वाले, नेतृत्व करने वाले, तुम विलक्षण गुणकारी भोजन देते हो। सत्य मार्ग से चलने वाले को उत्तम प्रेरणा तुम ही देते हो। एक विचार वाले होकर अपने रथ को इधर लाओ। तुम प्रत्येक प्रजाजन की ओर जाते हो, उसके रोग की चिकित्सा करने के लिए जाते हो। अपने संरक्षण के लिए तुमको मैं बुलाता हूँ। ये देवत्व प्राप्त करने की इच्छा करने वाली प्रजाएं अश्विनों को अपनी सहायता के लिए बुलाती हैं। अश्विनो दो देव हैं, इनमें एक शस्त्र क्रिया में कुशल हैं और दूसरा औषध चिकित्सा में। ये दोनों ही रोगी के पास जाते हैं और उसके रोग दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये देव हैं पर उनके रोगी मानव होते हैं, अर्थात ये देव होते हुए भी मनुष्यों की चिकित्सा करते हैं। रोगी को ये उत्तम भोजन तैयार करके देते हैं कि उसके खाने से ही रोगी भला चंगा हो जाता है। औषध सेवन की अपेक्षा औषध मिश्रित भोजन को खाने से रोगी को अधिक लाभ होता है, क्योंकि औषध लेते हुए रोगी के मन में मैं रोगी हूँ ऐसी भावना रहती है, पर भोजन खाने में वैसी भावना नहीं रहती। रोगी को ऐसा मालूम होता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, अपना भोजन मैं खाता हूँ। अतः मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से औषध की अपेक्षा भोजन रूप से शरीर में दवाई पहुंचाना और उसकी सहायता से रोगी को रोग मुक्त करना अधिक लाभदायक है। वैद्यों को अपने रोगियों पर ऐसे प्रयोग करने चाहिए। खाने के द्वारा रोगियों के शरीर में औषध पहुंचाना चिकित्सा का एक उत्तम उपाय है। अश्विनी कुमारों को दस्त्रा कहा गया है, क्योंकि वे सवेरे रोगियों की तरफ जाते हैं। रोगियों को निरीक्षण करने के लिए सवेरे का समय उत्तम होता है। सोम, सोम हिमालय के मौजवान शिखर पर मिलने वाली एक बेल का नाम है, इसलिए वेदों में उसे मौजवान सोम कहा है। सोम को छानते समय सामगान, यज्ञ में सोम को छानते समय सामगान किया जाता था। उस विषय में वर्णन इस प्रकार है, पवमानाय इंदवे उपगायत, छाने जाने वाले सोम के लिए सामगान बोलो, इस समय बुरे वचन बोलना ठीक नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा है। सुनवानाय अंधसह तत्वचह मर्तह न प्रवस्ट, निचोड़े जाने वाले इस अन्न रूपी सोम के विषय में किसी को भी हीन शब्द नहीं बोलना चाहिए, तथा सोम रस निकालते हुए उस स्थान पर कुत्ते न आ पाए ऐसा भी प्रबंध करना चाहिए। अराधसम स्वानम अपहत, अनुदार कुत्ता यदि यहाँ आ जाए तो उसे मारकर भगा दो। सोम को कूटकर रस निकालना, सोम की बेल लाई जाती थी, उसे पत्थरों से कूटते थे और उसका रस निकालते थे। इस विषय में मंत्र इस प्रकार हैं, हरिम इंदुम योषडः इंद्राय पीयते अद्रिभिः हिन्वन्ति, हरे रंग के चमकने वाले सोम को हाथ पत्थरों से कूटते हैं और कूटने के बाद उंगलियां उसे दबाकर उसका रस निकालती हैं। इंद्र के पीने को देने के लिए यह किया जाता है। लकड़ी के पट्टे पर सोम को रखकर उसे पत्थरों से कूटते हैं,
फिर हाथों से उसका रस निकाला जाता है। ऐसे इस रस में निचोड़ने के बाद पानी मिलाकर इसे छाना जाता है। छानने का वर्णन इस प्रकार है, याजकों के द्वारा प्रथम धोया गया, पत्थरों से कूटकर रस निकाला गया, भेड़ के बालों की बनी छालनी से छाना गया, यह सोम रस है। रस निकालने के बाद उसे पानी में मिलाते हैं और बाद में छलनी से उसे छानते हैं। यह सोम सरोवर के पास दौड़ता हुआ जाता है। यहाँ सरह शब्द पानी का बर्तन है। सोमरस पानी के बर्तन में जाता है और वहाँ जाकर पानी से मिल जाता है। यह हरे रंग का चमकने वाला देवों को देने के लिए निचोड़ा गया। वह सोमरस छलनी से होकर नीचे के बर्तन में गिरता है। यह चमकने वाला दिव्य सोमरस ब्राह्मणों के द्वारा बढ़ाया जाता है, अर्थात ब्राह्मण उसमें पानी मिलाकर उसे बढ़ाते हैं और उसे पीने योग्य बनाते हैं। रस निकालने के बाद छलनी से वह छाना जाता है। छनते समय वह नीचे के कलश में गिरता है और उसके कारण शब्द होता है। उस अपने शब्द से वह देवों को बुलाता है। यह अलंकारिक भाषा है। छलनी से नीचे गिरते हुए जो सोम शब्द होता है उससे मानो वह देवों को बुलाता है। ज्ञान बढ़ाने वाले ये सोमरस लहर के रूप में पानी के पास लाए जाते हैं, अर्थात सोमरस पानी में मिलाए जाते हैं। हे सोम, तू देवों के पीने के लिए पानी में मिलाया जाता है। नदी के पानी में वह सोमरस हाथों से मिलाया जाता है। यहाँ नदीशु नदियों में मिलाया जाता है, ऐसा कहा है। नदी के पानी में कहने के स्थान पर नदियों में ही कह दिया है। अंशों के लिए पूर्ण का प्रयोग वेदों में होता है। जल के लिए नदी का प्रयोग अलंकारिक है। इस प्रकार इस अध्याय में सोमरस निकालने, पानी में मिलाने और छानने का वर्णन है। गाय के दूध में सोमरस मिलाकर उसे हमने मीठा कर दिया है। सोमरस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाते हैं। उस शत्रु को मारने वाले सोम को गाय के दूध में मिलाते हैं, तब उसके पास देव जाते हैं। रस निकालना, पानी मिलाना, छानना और उसमें गाय का दूध मिलाना, बाद में पीना अथवा हवन में उसकी आहुति देकर फिर पीना, यह क्रम है सोम के तैयार करने का। स्वच्छ सोमरस पानी की धारा के साथ कलसे में और गौदुग्ध रूपी अन्न के साथ मिलाए जाते हैं। सोमरस दूध में मिलाने के बाद उसे मीठे रस वाले बर्तन में डालते हैं। गाय के दूध के साथ सोमरस मिलाया जाता है। यहाँ गोपद गाय के दूध का वाचक है। शुद्ध होने वाला सोम बर्तन में छलनी से छाना जाता है। शब्द करता हुआ तू छलनी के नीचे के बर्तन में जाता है। धार बांध कर छनता जा। मीठे रस की धारा नीचे गिरती है। हरे रंग का सोमरस स्तोताओं को वीर पुत्रों के साथ मिलने वाला यश देकर छलनी से छनता है। यह सूर्य के समान तेजस्वी और सबों को देखने वाला है। यह स्वच्छ होने वाला सोमरस सब भुवनों के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इस सोमरस को हवन करके देवों को पीने के लिए दिया जाता है। हे इंद्र, तुझे इस यज्ञ में बुलाया जाता है। इस सोमरस को तू पी। तेरे लिए सोमरस अन्न के समान है। सोम यज्ञ में अपने को ले जा। सोम पीने वाले इंद्र, यह सोम तुझे आनंद देवे, वह तेरे कोखों में भर जावे। सोम के मधुर रस को पियो, यह सोम देवों के पास जाने वाला है। सबकी बुद्धियों को यह अपने अधिकार में रखता है, सबकी बुद्धि पर अपना प्रभाव डालता है। पेट भरकर सोमरस रूपी अन्न पी। आनंद बढ़ाने वाले सोमरस यज्ञ में यजमान का यश बढ़ाते हैं। शत्रु को भयभीत करना। सोमरस पीने के बाद मन का उत्साह बढ़ता है, शरीर की शक्ति बढ़ती है और शत्रु को भय हो ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होता है। हे सोम, पास बैठने वालों से कह कि वे शत्रु को भयभीत करें। शत्रु को भयभीत करने योग्य बल सोमरस को पीने से बढ़ता है। सब देव इसे पीकर सामर्थ्यवान होते हैं और शत्रुओं को हराते हैं।